जैसे खड़ा किया कितना ज्यादा ये आपका झुक गया, ये देखिए ठीक है, यानी कहीं कहीं पर डाउन रहता है ना थोड़ा सा तो साइकिल गिर जाएगा इस तरह से। स्टैंड को देखिए, ये देखिए ठीक है, स्टैंड सही काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीधा नहीं मारना है। सीधा मारेंगे तो ये रिपीट आपका बेंड हो सकता है, खराब हो जाएगा, फिर दोबारा इसमें नया रिपीट लगाना पड़ेगा, जो कि बहुत ही मुश्किल से मिलता है। आप लोग को अच्छे से स्टैंड रिपेयर करके दिखा दिए और ये स्टैंड का हैक भी आप लोग को बता दिए कि स्टैंड आपका खराब नहीं है। चलो भाई, ये गियर साइकिल का स्टैंड जो है खराब हो गया है, तो चलो इसे रिपेयर करते हैं। सो दोस्तों, क्या आपके पास भी एक गियर साइकिल है और स्टैंड इस तरह से खराब हो गया है, तो आइए आप लोग को दिखाते हैं ये साइकिल का स्टैंड क्या खराब हुआ है और कैसे आप लोग ठीक कर सकते हैं। स्टैंड को देखिए, ये देखिए ठीक है, स्टैंड सही काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जो स्टैंड का रिपीट होता है, चिरा पिन होता है, वो आपका निकल गया, जैसा कि देख रहे हैं। इसे अंदर की ओर भी प्रेस कर रहे हैं इस तरह से, तो ये नहीं जा रहा है, टेपर हो गया है। तो इसी तरह से अगर स्टैंड को यूज करेंगे ना, तो क्या होगा कि ये चीरा पिन बाहर आ जाएगा, फिर ये स्टैंड पूरा खराब हो जाएगा और इसे दोबारा रिपेयर करने में बहुत ही ज़्यादा झमेला होगा। तो इस तरह का प्रॉब्लम अगर हो जाता है तो चुटकियों में आप लोग ठीक कर लेंगे, चुटकियों में, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, इजी प्रोसेस आप लोग को बताएंगे, पैसा जो भी लगने वाला था सॉलिड बचेगा। तो यहाँ पर सारा सामान वगैरह हम ले लिए हैं, जैसे खड़ा किया कितना ज़्यादा ये आपका झुक गया, ये देखिए ठीक है, यानी कहीं कहीं पर डाउन रहता है ना थोड़ा सा तो साइकिल गिर जाएगा इस तरह से। तो चलिए, अब स्टैंड को रिपेयर किस तरह से करते हैं वो आप लोग को बताते हैं। साइकिल से जुड़ा हुआ नॉलेज फील्ड हमेशा अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि जिस तरह से वीडियो आपका काम आएगा उस तरह से अदर व्यक्ति का भी आएगा। स्टैंड खोलने के लिए हम 5mm एलेंकी स्पैनर का यूज कर रहे हैं और 10-11 नंबर का यूज कर रहे हैं। तो फाइनली हमारा स्टैंड खुल गया है, ये देखिए यहाँ से पूरा टेपर हो गया, अंदर की ओर प्रेस नहीं हो रहा है। स्टैंड खुलने के बाद आपको क्या करना है, हाथ से इस तरह से प्रेस करना है, ठीक है। ये देखिए, जैसा कि हम प्रेस कर रहे हैं तो ये चीरा पिन सेंटर में आ रहा है होल का, ठीक है। ये देखिए, तो यहाँ पर ताकत आप लोग को थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है, तो ध्यानपूर्वक करना है, हाथ में चोट भी लग सकता है, तो ध्यानपूर्वक करना है ताकि हाथ में चोट ना लगे। ये हमारा अंदर हो गया। तो फाइनली दोस्तों, इतना मेहनत करने के बाद जो है रिपीट बाहर आ गया, जैसा कि देख रहे हैं। तो इस तरह से रिपीट जो है पूरा बाहर अगर आ जाता है तो ये स्टैंड पूरा ख़राब हो जाएगा और इसे रिपेयर करने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगेगा। तो फाइनली हमारा इजी हो गया और आप लोग को भी दिखा दिए किस तरह से करना है। अब क्या करना है, हैमर का मदद से हल्का हल्का थोड़ी मारना है, इस तरह से हल्का हल्का पहले मारना है, ठीक है। ये देखिए, ज़्यादा जोर से नहीं मारना है, हल्का हल्का। तो दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ आप लोग समझे, जैसा कि देख रहे हैं, ठीक है, हम हथौड़ी यहाँ पर मार रहे हैं इस तरह से आप लोग देख रहे हैं, लेकिन हथौड़ी मारने का भी एक तरीका होता है। हम हथौड़ी किस तरह से मार रहे हैं, हथौड़ी को इस तरह से तिरछा करके मारना है, ऐसे सीधा नहीं मारना है। सीधा मारेंगे तो ये रिपीट आपका बेंड हो सकता है, ख़राब हो जाएगा, फिर दोबारा इसमें नया रिपीट लगाना पड़ेगा, जो कि बहुत ही मुश्किल से मिलता है। तो आपको क्या करना है, हथौड़ी को थोड़ा सा इस तरह से तिरछा करके मारना है, ठीक है। हम आपको डेमो दिखा देते हैं, इस तरह से तिरछा मारना, फिर ऐसे 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 इस तरह से करके मारना। तो जितना जरूरत है उतना ही आपको बेंड करना है हथौड़ी को, ये देखिए इस तरह से हम हैमर किए। अभी हल्का हल्का, ज्यादा जोर से नहीं मारना है, आस्ते आस्ते ये आपका पूरा रिपीट हो जाएगा, जैसा कि देख रहे हैं। ये देखिए, अच्छे से ये आपका रिपीट हो गया है। तो इस तरह से रिपीट कर लेना है, ये आपका कंप्लीट हो गया, ये स्टैंड आपका रिपेयर हो गया। इसके बाद क्या करना है, तो फाइनली स्टैंड हमारा अच्छे से फिक्स हो गया है, साइकिल में फिट कर दिए हैं। तो स्टैंड रिपेयर करने के बाद जिस तरह से आप स्टैंड को खोलेंगे उसी तरह से फिट कर देना है। अब यहाँ पर देखिए, साइकिल को हम खड़ा करके आप लोग को दिखा रहे हैं, ये देखिए साइकिल कितना ज़्यादा झुक जा रहा है फिर भी, लेकिन स्टैंड हमारा रिपेयर हो गया है तो अब दिक्कत नहीं है, तो थोड़ा सा कम झुक रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसे लेवल में लाने के लिए इस तरह से सीधा सीधा खड़ा हो स्टैंड में, तो ये स्टैंड को इस तरह से हल्का सा अंदर की ओर पुश करेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये हम पुश कर दिया, साइकिल एकदम अच्छे से खड़ा हो गया। तो आप लोग को बताना चाहेंगे यहाँ पर एक चीज़ और, जैसा कि देखें ये स्टैंड को हम इस तरह से सीधा किए, ठीक है, ये सीधा हो गया। उसके बाद क्या होगा कि ये कुछ दिन के बाद फिर झुक जाएगा। ये झुकने का जो रीज़न होता है ना दोस्तों, वो होता है क्या कि जैसे साइकिल यहाँ पर खड़ा है और आप इस तरह से बैठ गए, इसमें लोड दे दिए, तो इसमें देखिए कितना ज़्यादा ताकत लग रहा है। धीरे 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 करके क्या होगा ना, ये आपका बेंड हो जाएगा। तो बेंड होने के बाद क्या होगा,
फिर आप क्या करेंगे, इस तरह से पैर का मदद फिर से सीधा करेंगे, तो एक दफा क्या होगा कि आपका स्टैंड पूरा यहाँ से टूट जाएगा पत्ती के साथ में, फिर आप लोग का बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगा। तो साइकिल को जब भी इस तरह से खड़ा करते हैं, अगर इस तरह से अगर आप लोग खड़ा रहते हैं तो साइकिल में ज्यादा जोर, ज्यादा दबाव, ज्यादा ताकत नहीं देना, एकदम आराम से खड़ा रहना है बस सहारा में। साइकिल का स्टैंड में ज्यादा दबाव नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आपको क्या करना है, स्टैंड को इस तरह से हटा देना है। स्टैंड हटा देंगे और इस तरह से खड़ा रहेंगे तो ये आपके लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा, साइकिल का स्टैंड कभी भी खराब नहीं होता है। कैरियर वाला साइकिल में कई बार क्या होता है ना कि स्टैंड इस तरह से लगा हुआ है और बहुत सारे भाई क्या होता है कि स्टाइल दिखाने के चक्कर में इस तरह से बैठ जाता है और इसका मदद से क्या होता है कि स्टैंड पूरा खराब हो जाता है। तो ये भी गलती आप लोग को नहीं करना है, स्टैंड हटा करके इस तरह से खड़ा रहना है, जिससे भी बात करना है अपना दोस्त यारी से बात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आप लोग को अच्छे से स्टैंड रिपेयर करके दिखा दिए और ये स्टैंड का हैक भी आप लोग को बता दिए कि स्टैंड आपका खराब नहीं होगा। शेयर करना बिल्कुल ना भूले, जिस तरह से वीडियो आपका काम है उस तरह से अधिक व्यक्ति का भी आए।